हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो हे गाइस, मैंने 3G रैम के लिए तो वीडियो बहुत दिन से डाला ही नहीं है, इसलिए मैं आज इस वाले वीडियो में 3G रैम के लिए बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग का वीडियो लाया हूं। सो अगर आप लोग 3G रैम का फोन यूज करते हो तो आप लोगों के लिए लिटरली बहुत ही बढ़िया आप लोगों के लिए सेंसिटिविटी सेटिंग है। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हो तो आप लोगों को मैं सही में बता रहा हूं, आप लोगों को बहुत ही अच्छा हेडसेट लगेगा इस वाले सेंसिटिविटी सेटिंग में। तो हां, बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि 3G रैम का लाओ भाई, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया अपने फोन के हिसाब से, तो भाई आप लोगों के लिए वीडियो आएगा। तो मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि हां भाई तुम्हारे लिए वीडियो आएगा, बट आएगा भाई, क्योंकि आप लोग समझते नहीं है यार, थोड़ा सा काम भी रहता है घर की तरफ, इसलिए आप लोग का भी काम देखना पड़ता है घर की तरफ का, तो इसके लिए सॉरी। एंड आप लोग ज्यादा सपोर्ट दिखाओगे तो इसी तरह पूरा ध्यान करके आप लोगों के लिए पूरा मैं रिसर्च जारी रखूंगा। तो हाँ, थोड़ा सपोर्ट दिखा दिया करो भाई, भाई का चैनल है यार। तो आप लोग सपोर्ट दिखाते रहो। एंड हम लोग बात करते हैं 3G रैम के लिए बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग, और कोई ये कमेंट नहीं करेगा कि आप लोग भाई दिन भर सेंसिटिविटी सेटिंग का वीडियो अपलोड करते हो। भाई आप लोग टॉपिक ही नहीं देते, इसलिए मैं 3G रैम के लिए मतलब सॉरी सेंसिटिविटी सेटिंग का ही वीडियो अपलोड करता रहता हूं। अगर आप लोग टॉपिक दे दोगे कि कौन से टॉपिक्स पर और वीडियो चाहिए आप लोगों को, उस टॉपिक्स पर भी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। एंड आप लोगों के लिए मैं उस टॉपिक्स पर भी रिसर्च जारी रखने की कोशिश करूंगा एंड रिसर्च करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने सेंसिटिविटी सेटिंग में चले जाना। एंड सेंसिटिविटी सेटिंग में चले जाने के बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को एक एक चीज बताऊंगा। तो आप लोगों को वीडियो का एंड तक वॉच करते रहना, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वाले वीडियो को लिटरली अगर आप लोग एक भी स्किप करते तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो देखते रहो। एंड आप लोगों को जनरल में कितना रखना है, रेड डॉट में, स्नैपर, इसको, फ्री लुक, एंड सभी को बात करेंगे। तो इस वाले वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखते रहना। एंड चलो स्टार्ट करते हैं, हम लोग बताते हैं आप लोगों को जनरल को सबसे पहले। तो आप सभी लोग तो सीख गए ना कहां पर होता है। एंड हम लोग बात करते हैं जनरल की। तो जनरल के आप लोग को कितना रखना है, जनरल को आप लोग पूरा 100-200 कर देना, क्योंकि आप लोग का फोन तो एकदम आईफोन नहीं है एकदम। आप लोग 10 रखोगे तो भी पड़ेगा एंड 100 रखोगे तो भी पड़ेगा, तो ऐसे नहीं, आप लोग को पूरा 100-200 कर देना है। इसमें आप लोग का मूवमेंट मस्त होगा एंड आप लोग मुड़ सकते हो इधर उधर मूवमेंट करने के लिए। तो आप लोग को समझ आ गया होगा कि जनरल को 100-200 रखना ही होना चाहिए, रखा ही होना चाहिए सॉरी। तो अब देखो यहाँ पर रेड डॉट को आप लोग को कितना रखना चाहिए। तो रेड डॉट को आप लोग रखना चाहिए अभी आपके फोन के लिए 3G रैम के लिए बहुत ही अच्छा होगा, 85 आप लोग के लिए लिटरली बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि मैं अभी यूज कर रहा हूँ तो आप लोगों को सब चीज समझ आ गया होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आप लोग लिटरली अपडेट के बाद तो ये बहुत ही ज्यादा वर्क कर रहा है, तो इसको तो जरूर से रख लेना, आप लोग ट्राई भी कर लेना एक बार, और तुरंत ट्राई करने के बाद इसको छोड़ मत देना भाई। आप लोग को लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैं जितना ट्राई किया हूँ वैसे आप लोग को भी ट्राई करना है। 2-3 दिन आप लोग को उसी सेंसिटिविटी सेटिंग में आप लोग को पूरा प्रैक्टिस करते रहना। एंड आप लोग जो भी फायर बटन साइज रखे हो, एंड मैं अभी सजेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को, मैं लिटरली बता रहा हूँ 70 से ऊपर आप लोग को रखना है फायर बटन का साइज। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग को कितना रखना है फायर बटन का साइज, 80 से मतलब 70 से ऊपर रख लेना है। एंड आप लोग को 2 स्कोप एंड 4 स्कोप को अभी बात कर लेते हैं। आप लोग को 2 स्कोप को रख लेना है 80 एंड 4 स्कोप रख लेना है 85, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसका तो यूज मेरे को पता नहीं है, लेकिन अभी मैं अपने फोन में यूज किया था तो यही काम कर रहा था, तो आपके फोन में भी लिटरली यही काम कर सकता है, सॉरी है नहीं, वो काम करेगा। तो आप लोग को उसको भी ट्राई कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी ट्राई करता हूं। तो आप लोग को कितना कैसे लगा आप लोग को सेंसिटिविटी सेटिंग, एंड आप लोग का फायर बटन साइज आपके फोन में वर्क करता है या नहीं, आप लोग 2 दिन बाद आके मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना। जिसने भी इस वाले वीडियो को पूरा एंड तक देखा है उनके लिए बेस्ट आप लोगों के लिए ट्रिक है एंड आप लोगों के लिए सीक्रेट आप लोग मान सकते हो। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे अपने फोन में परफेक्ट सेंसिटिविटी सेटिंग चॉइस कर सकते हो। एंड मैं अपने दोस्तों के लिए परफेक्ट सेंसिटिविटी सेटिंग देता हूं उनके फोन के लिए। तो हां, अगर आप लोग भी मेरे दोस्त हो एंड अपने फ्रेंड हो, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, एंड पुराने हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर से कर देना। तो हां, अभी बात करते हैं आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने सेंसिटिविटी सेटिंग में चले जाना एंड अपने जनरल एंड रेड डॉट को, जनरल को तो 100-200 रख देना, एंड रेड डॉट को क्या करना पड़ेगा आप लोग को पूरा कम कर देना एंड आप लोग को बढ़ा के आप लोग को उस पे गेम प्ले करते रहना है। एंड आप लोग का जिस पे ज्यादा हेडसेट लग रहा है उसी वाले सेंसिटिविटी सेटिंग को रख लेना, आप लोग का लिटरली बहुत ही बढ़िया हेडसेट लगेगा। एंड क्योंकि मैं अपने दोस्तों के लिए भी बेस्ट चॉइस करता हूं ऐसे ही। तो आप लोग को कैसे लगा ये वाला ट्रिक, जो भी नेक्स्ट मतलब सॉरी जो भी इस वाले वीडियो को पूरा एंड तक देखा है उनके लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ऐसे ट्रिक्स तो मैं शेयर ज्यादा करता नहीं है, मैं किसी वीडियो में बताया भी था एंड बहुत कम लोग ऐसे यूज करते हैं। तो अगर आप लोग 3G रैम वाले हो तो आप लोग इसको जरूर से यूज करके देखना कि आप लोगों के लिए लगता है हेडसेट कि नहीं लगता है, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के लिए तो यही ट्रिक अपनाता हूं एंड इसी से मैं उनके लिए बेस्ट चॉइस करता हूं सेंसिटिविटी सेटिंग। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को ये वाला वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना है। नेक्स्ट वीडियो आप लोग को कौन से टॉपिक पर चाहिए आप लोग कमेंट करके जरूर से बता देना। तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय वंदे मातरम दोस्तों, बाय बाय।